दोस्तों, हमारा दिमाग इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है कि दुनिया में कोई भी कंप्यूटर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियां होती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में इन 5 सेंसेस के अलावा और भी कई सेंसेस होते हैं, जैसे 6 सेंस कहा जाता है। हमारे 6 सेंस के भीतर अनगिनत अद्भुत और अलौकिक शक्तियां विद्यमान है। यदि उन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए तो कई चमत्कारी सिद्धियां हासिल की जा सकती है, जैसे किसी के दिमाग को पढ़ लेना, किसी को सम्मोहित करना या भूत भविष्य में घटना वाली घटनाओं को अस्पष्ट कर देना। आपने चेतन और अचेतन मन के बारे में तो सुना ही होगा। चेतन मन हमारा दैनिक जीवन के 10% सतही कार्यों को अंजाम देता है, परंतु हमारा अचेतन मन हमारे शरीर के भीतर होने वाली 90% गतिविधियों को संचालित करता है। यह हमारे जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसा खजाना है जिसमें हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। हम जिस चीज की कल्पना करते हैं यह उसे हकीकत में बदल देता है। उसकी मदद से हम दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यह हमारे ब्रेन की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से हम हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं कितनी होती हैं? वैसे तो हमारा ब्रेन प्रकृति का एक ही अंग है, परंतु यह प्रकृति का एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें प्रकृति को भी प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन इतना शक्तिशाली है कि यह ईश्वर द्वारा की गई किसी भी रचना को अपने हिसाब से विकसित कर सकता है और विध्वंस भी कर सकता है। आज इंसानी दिमाग ने टेक्नोलॉजी और साइंस के द्वारा ऐसी ऐसी असाधारण रचनाएं कर डाली जो इस तथ्य को साबित भी कर सकती है। ये मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, रॉकेट और मेडिकल साइंस सहित अब तक इंसान ने जितने भी छोटे बड़े आविष्कार किए हैं वह सब हमारे इसी इंसानी दिमाग का कमाल है। इंसान का दिमाग कितने % काम करता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अभी तक अपने ब्रेन का केवल 20% हिस्सा ही यूज कर पाया है। 20% हिस्से का मतलब है कि जितने हमारे ब्रेन की क्षमता है इसके भीतर जितनी असंभावनाएं उसका केवल 20% ही यूज करते हैं। एक साधारण इंसान तो अपने ब्रेन का केवल 10% हिस्सा ही यूज कर पाता है। एक साधारण और असाधारण इंसान में बस इतना फर्क होता है कि साधारण इंसान केवल अपने और अपने परिवार की जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही अपने ब्रेन को यूज करता है, जिसके लिए 10% ही काफी है, और एक असाधारण इंसान किसी महान उद्देश्य के अपने ब्रेन को यूज करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने ब्रेन पावर को पूरे फोकस के साथ सही और निश्चित दिशा में यूज करता है, इसलिए वह नई नई चीजों की खोज कर पाता है या नई नई चीजों की रचना कर पाता है। उदाहरण के तौर पर अभी इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार, चित्रकला कलाकार और खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने अपने फील्ड में सफलता और उपलब्धि के शिखर को छुआ है। हमारा मानना है कि ये लोग भी जरूर अपने ब्रेन को 20% तक यूज करते होंगे। इसके अलावा हमारे इतिहास में स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामानुजन, लियोनार्डो दा विंची, निकोला टेस्ला, न्यूटन, एडिसन और स्टीफन हॉकिंग जैसे हजारों महापुरुषों की गाथाएं लिखी हुई हैं जिन्होंने अपने ब्रेन का 20% से लेकर 50% तक हिस्सा यूज किया है। तो अब यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि क्या हम अपने ब्रेन को इससे फुल पोटेंशियल तक यानी 100% तक यूज कर सकते हैं, और यदि कर सकते तो हम अपने दिमाग का 100% उपयोग कैसे करें। हमने इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने स्तर पर स्टडी और रिसर्च शुरू कर दिया है, और संभवतः अगले वीडियो में हम इन दोनों सवालों का जवाब जरूर देंगे। यदि आप इन विषय पर अपने विचार या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय।